हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज हमारा फास्ट है और जानू का भी फास्ट है, तो मैं फास्ट के लिए क्या बनाने जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए और चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। पनीर वाली खीर बनाऊंगी और बड़ा बनाऊंगी, साबूदाना बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि ये फास्ट में खाया जाता है। तो साबूदाना बड़ा बनाऊंगी। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, ये देखो आलू को मैंने बॉईल कर लिया। और हमने ले लिया है हरी धनिया, अदरक, मिर्च और काली मिर्च भी डालूंगी इसमें, क्योंकि काली मिर्च डाली बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, तो काली मिर्च डालना चाहिए, तो मैं काली मिर्च भी डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ और अदरक और लहसुन कुछ में कूट लेती हूँ अच्छे से। इसमें मैं जीरा भी थोड़ा सा डालूंगी, जीरा डालने से और टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों इतने अच्छे से मैश हो गया है ये। अब इसमें हम मिक्स करते हैं साबूदाना, ये हमारा साबूदाना इसमें मैश कर लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों हमारा जो साबूदाना है ये भी अच्छे से मैश हो गया है, ये देख पा रहे हैं आप। और इसका अब मैं गोला गोला बना लेती हूँ बड़ा, उसके बाद छानती हूँ घी में पानी। तो दोस्तों ये हमारी वर्का की पनीर, तो पनीर को हल्का सा मैं बॉईल करूंगी, क्योंकि यहाँ की पनीर इतनी सॉफ्ट नहीं रहती है, इसलिए मुझे बॉईल करना पड़ता है। बॉईल हो रही तो मैं बड़े को बना लेती हूँ, उसके बाद छानूंगी। तो पहले मैं बना लेती हूँ फिर छानती हूँ, ऐसे बनाने ऐसे करके। फिर देखिए इतने अच्छे से बन गए, मस्त ठीक है, करके सारे बना लेती हूँ उसके बाद छानूंगी। तो दोस्तों देखिए बड़ा बना लिया मैंने इसको, अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, छान लेती हूँ घी में। और दोस्तों देखो ठंडी लगने लगी, तो मैंने सॉल्व कोल्ड ठंडी लगी है, तो मैं एक एक करके छानती हूँ ऐसे। देखिए तो दोस्तों हमारा जो साबूदाना बड़ा वो बन गया, अब मैं खीर बनाती हूँ। तो हमने ये हमारा पनीर है ये भी बॉईल हो चुका है, अब चलिए हम खीर बना लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे चीनी, इसको अच्छे से चला देते हैं। ओह माय गॉड, रेडी हो चुकी है और सारा बन जाता है, फिर मैं भोग लगाऊंगी माता रानी को, उसके बाद नाश्ता करूंगी। तो खीर अभी हमारी पक रही है दोस्तों, मीडियम आंच पे पकाई है, स्लो स्लो तो मस्त लगती है और अच्छे से पक भी जाती है। दोस्तों मैं थाली लगा लेती हूँ, अब मेरा बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं थाली लगा लेती हूँ।
तो दोस्तों मैंने माता रानी को भोग भी लगा दिया और मैंने पूजा वगैरह की। तो दोस्तों मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और आप लोग भी कर लीजिए, एक बार जरूर इस तरह से ट्राई करिएगा फास्ट के लिए। और तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर किसी दिन मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, शुभरात्रि।